क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत ने हैमिल्टन वनडे में बेहद खराब खेल दिखाया और न्यूजीलैंड को सिर्फ 93 रन का ही लक्ष्य दिया। यही नहीं, न्यूजीलैंड की पारी जब शुरू हुई तो मार्टिन कप्टिल ने धूमधड़ाका कर दिया, लेकिन फिर भोवी ने जबरदस्त पलटवार किया। तो आप भी भुवनेश्वर कुमार के संदाज पर कमेंट जरूर करें। 93 रन के लक्ष्य को बचाने के लिए भोवी ने बॉल पकड़ी और पहला ओवर लेकर आए, मगर मार्टिन कप्टिल ने पहले ओवर की पहली ही बॉल पर लॉन्ग ऑन पर गगन चुंबी छक्का मार दिया। भारतीय फैंस का मुंह पूरी तरह बंद हो गया। यही नहीं, अगली बॉल पर कप्टिल ने चौका मार दिया। इसके बाद भी कप्टिल नहीं रुके और तीसरी बॉल पर भी बॉलर के बगल से दंदनाता हुआ चौका मार दिया। यानी कप्टिल 3 बॉल पर 14 रन ठोक चुके थे और भोवी बेहद निराश नजर आ रहे थे, मगर यही तो भोवी की प्लानिंग भी थी। जी हाँ, 3 बॉल विकेट्स पर डाली जिन पर कप्टिल ने चौका और छक्का मार दिया, लेकिन चौथी बॉल भुवनेश्वर कुमार ने कप्टिल के पैरों पर डाली। वैसे तो ये बॉल 4 गेंदों में सबसे खराब थी, लेकिन मार्टिन कप्टिल के समझ से बाहर थी, क्योंकि कप्टिल भुवी से ऐसी गेंद की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, मगर फ्लिक करने की कोशिश की मार्टिन कप्टिल ने और बॉल उनके बल्ले का किनारा लेकर हवा मुछल गई और पॉइंट पर खड़े पांड्या ने बेहद शानदार कैच पकड़ लिया। न्यूजीलैंड को भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या ने पहला झटका दे दिया और भुवी ने पूरी प्लानिंग से गेंदबाजी की और कप्टिल को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो भुवी की इस गेंदबाजी और प्लानिंग पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।